दगड़िया गुड मॉर्निंग। पहला कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दगड़िया, एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी बज रहे सुबह के 6:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ स्कूल के लिए। और ये है मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म, सूट पहना था और दो चिट्ठियां बनानी होती है। अभी हम निकल रहे घर से 10 मिनट में। और बात करें आज के मौसम की, तो अभी सुबह बारिश हुई थी हल्की फुल्की और अभी आसमान में पूरे बादल लग चुके हैं और काफी ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। बहुत अच्छा मौसम है। जय हो डना बोलजू। तो अभी फिलहाल दगड़िया सुबह के 6:30 बज गए हैं और बाकी मैं भी हाथ मुंह धो के रेडी हो गया हूँ। ठीक है, आज वैशाली को जाना है स्कूल, तो अब ना मेरी भी एक ड्यूटी लग गई है वैशाली को स्कूल तक छोड़ने की। अब रोज ही रोज मैं भी वैशाली को स्कूल छोड़ने के लिए जाऊंगा। अब दगड़ी स्कूटी लिराए जब वो ठाड़ी रोने हमेशा, तो अब घर वालों ने भी ड्यूटी लगा दी कि जब भी वैशाली स्कूल जाए तो वैशाली को तो स्कूल तक छोड़ के आएगा करके, और दिन में लेने के लिए भी जाएगा। चलो अब लेने की बात तो वो बात ही बात है, पहले मैं छोड़ के आता हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं छोड़ के आता हूँ वैशाली को। और इससे पहले मैं 2-3 दिन अभी वैशाली को स्कूल छोड़ने के लिए चला भी गया। ठीक है, लेकिन मैंने प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया, मतलब व्लॉग मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि वो 2-3 दिन थोड़ा मैं देख रहा था कि मैं कैसी स्कूटी चलाता हूँ और उस कच्ची रोड में अच्छे से ले जा पाता हूँ, ले जा पाता हूँ। लेकिन वो सक्षम रहा और मैं ले जा पा रहा हूँ, तो आज मैं प्रॉपर व्लॉग भी शूट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको दिखाया जाएगा कि वैशाली का स्कूल कहाँ है, कौन सी लोकेशन में है, और आज आपको स्कूल तक जाके भी दिखाया जाएगा। ठीक है, आज मेरी भी स्कूल की यादें फिर से आज मेरी भी स्कूल की यादें फिर से ताज़ा हो जाएगी दगड़ियों। ठीक है, क्योंकि आज मैं भी अपने स्कूल जा रहा हूँ, वहीं से मैंने ही पढ़ा है जहाँ से वैशाली पढ़ रही है। 11th और 12th मैंने भी वहीं से पढ़ा, 11th और 12th भी पढ़ा है मैंने मैंने भी 11th और 12th ही पढ़ा है। ठीक है, आज क्या हो रहा है मेरे को क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। ब्लॉगिंग के दौरान दगड़ियों कभी कभार कुछ शब्द ऐसे भी निकल जाते हैं मुंह से, मतलब अड़ंग बड़ंग निकल जाते हैं, तो बीच बीच में बहुत सारी चीजें मेरे को कट एंड पेस्ट भी करनी पड़ती है। लेकिन कई हद तक ना मैं बहुत सारी चीजों को रॉ भी रख देता हूँ, जैसे अभी आप देख रहे हो ये है ना, तो वो चीजें अच्छी भी लगती है कि यार वाकई में एक ब्लॉगर की लाइफ में क्या क्या चीजें होती है। अब जैसे हम इतना बड़ा व्लॉग बनाते हैं ना, कम से कम 1.5-2 घंटे का बन जाता है, उसको कट एंड पेस्ट करके हम 10-15 मिनट 20 मिनट में एडिट करके उसको पोस्ट करते हैं। सर में ध्यान लगा जी विवेकानंद। गुड मॉर्निंग सोलू भाई, नंग काटे जा रहे हैं, चलो फिर आ जाओ। गुड मॉर्निंग आम। गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग इज। गुड मॉर्निंग। ये सबसे पहले अम्मा और मम्मी उठ जाते हैं दगड़ियों। नाश्ता वास्ता बन गया? बन गया। और वैसे आजकल टिफिन भी ले आती ना, तो हाँ नहीं पहले भी ले आती थी। वैशाली का टिफिन भी पैक हो गया दगड़ियों। वैशाली का स्कूल का टिफिन ऐसा है, ये स्टील वाला है वैशाली, ये कभी टूटेगा भी नहीं, ये तोड़ फोड़ वाली बहुत है ना, अब इसके लिए सारे सामान लोहे के लाने पड़ते हैं दगड़ियों। तब टिफिन भी स्टील का रखना पड़ रहा है। भूमि प्यारी मेरी देव भूमि गंगा। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छे अच्छे हो। कौन सी क्लास में चला गया सोलू भाई? 8th में। और सारू? मैं भी 8th में ना। अच्छा, दोनों साथ में ही हो क्लास में, साथ में बैठते हो तुम दोनों? हाँ। अच्छा, कौन कौन साथ में बैठते हो, तू और सोलू? गुड मॉर्निंग। चाह गिलास जी अपने लिए और ताऊ जी के लिए, अपने बुर्जू के लिए सुबह की मॉर्निंग टी ले जाती हुई, वाह क्या बात है। योग ध्यान करने ऋषिकेश तप। और नदी के पानी का स्तर भी दगड़ियों कुछ इतना बढ़ रखा, आप देख सकते हैं, ये आजकल 1-2 दिन से लगातार बारिश होने में तो पानी इतना बढ़ गया है, लेकिन आज पानी साफ हो रखा है, आज मटेला नहीं हो रखा है। कुछ था नीम करोली बाबा नानक मत्ता हमर कुछ था। और आज दगड़ियों फाइनली आपका एक डाउट मैं क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। वो डाउट दगड़ियों 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं 100 नहीं 200 नहीं 1000 नहीं, बल्कि दगड़ियों लाखों लोगों के मन में वो डाउट है। ठीक है, और वो डाउट पता है क्या है, कि वैशाली फेल हो गई है। ठीक है, जो मैंने इसका रिजल्ट वाला व्लॉग डाल रखा था कि वैशाली फेल हो गई क्लास 10th में, वो दगड़ियों बहुत सारे लोगों ने क्या लाखों लोगों ने मतलब उस वीडियो को आधा अधूरा देखा। ठीक है, जिसने पूरा नहीं देखा उन्होंने पहली कमेंट कर दिया कि यार ये लड़की तो इतना पढ़ती थी ये फेल हो गई है ना। और कुछ लोग ऐसे भी कह रहे
की दिन भर रील ही बनाएगी तो ऐसी होगा, फेल होगी, ऐसे ऐसे बहुत गंदे गंदे कमेंट किए थे। हाँ, इंस्टाग्राम पे तुम रील बनाते रहते हो तो फेल तो होना ही है। और काफी लोग ऐसे भी कह रहे थे ना कि मेरे घर वाले जिस लड़की से मुझे कंपेयर करते थे कि ये घर का काम भी करती है प्लस पढ़ाई भी करती है, वो आज फेल हो गई, ये देखकर बहुत खुशी हुई। काफी लोग ऐसे भी बहुत खुशी हुई। हाँ, ऐसे कमेंट भी आ रखे हैं और उनमें लाइक्स भी इतने पड़ रखे हैं, 20-20, 30-40 लोगों ने लाइक कर रखे हैं, जिन लोगों ने मतलब ऐसा कमेंट लिखा है ना कि हमको बहुत खुशी हुई ये जानकर कि जिन बच्चों से हमारे माँ बाप कंपेयर करते थे आज वही फेल हो गई है, तो मेरे को बहुत खुशी हुई ये जानकर कि ये फेल हो गई करके। तो उनकी खुशी में थोड़ा मैं ग्रहण लगाना चाहूँगा, ठीक है। उनकी खुशी में ग्रहण इसलिए क्योंकि वैशाली पास थी, ठीक है, और वो एक प्रैंक भी वीडियो था और लास्ट में मैंने बता भी दिया था कि वैशाली पास हो गई करके, लास्ट में कहा बीच ही बता दिया था, लेकिन मार्क्स कम आ रहे थे वैशाली के, तब वैशाली रो रही थी, ठीक है, और वैशाली की ओवरऑल जो परसेंटेज बनी थी वो 70% बनी थी, ठीक है। तो वैशाली पास हो रही है अच्छे नंबरों से, मतलब ठीक ठाक नंबरों से, है ना। तो ऐसा है, बाकी वैशाली पास है और वैशाली अभी क्लास 11th में है और वैशाली ने साइंस साइड ली है, ठीक है, और इसकी है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। तो वैशाली 11th क्लास में है और वैशाली वहीं से पढ़ रही है जहाँ से मैंने पढ़ रखा है 11th और 12th, ठीक है। मैंने भी GIC नौगांव से पढ़ रखा है, तो वैशाली भी वहीं से पढ़ रही है 11th और 12th, क्योंकि जो वैशाली का स्कूल था वो 10th तक था और जो हमारे आसपास में जितने भी स्कूल है सारे 10th तक है, सिर्फ एक GIC नौगांव ही है 11th 12th, तो वैशाली वहीं से स्टडी कर रही है आगे की। अब हंसो। अब अरे बहुत सारे लोग बधाइयां दे रहे हो यार फेल होने की, मतलब मेरे को तो मतलब देख के इतना वो हो गया कि यार लोग कैसे कैसे भी लोग हैं, मतलब फेल होने में लोग सेलिब्रेट कर रहे हो चीज को कि फेल हो गई, हमको बहुत खुशी हो रही है, तू दिन भर रील बनाती है ना, अब बनाना तू रील, अब तू देख ये होगा वो होगा ऐसा होगा, तुम्हारा भविष्य का तो कुछ नहीं हो सकता। तुम नहीं, कुछ लोगों ने अच्छे भी कमेंट्स किए, थैंक यू बहुत ज्यादा, मतलब जिनको पता नहीं था कि मैं पास हो गई फिर भी उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं अगली बार ट्राई करना, होता रहता है, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आए थे तो उनको बहुत सारा थैंक यू, लेकिन मैं पास हूँ। लेकिन जिन लोगों ने ऐसी कमेंट किए थे उनको भी थैंक यू, इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। और जो फिर उसके बाद हमने रील्स डाली उस पर काफी लोग ऐसे भी कह रहे थे पढ़ ले 10वीं फेल, ऐसा ऐसा करके बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, पढ़ ले 10वीं फेल क्या होगा तेरा, अभी भी रील बनाने की मैं तेरे को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, थोड़ी शर्म ली आज कर ले नाचने में, तू छत में डांस कर रही है। तो ये ना हमारा एक अलग चीज है, ठीक है, मतलब पढ़ाई से हटकर ये हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, और ऐसा नहीं है कि हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ठीक है, ये भी पढ़ती है और कई सारी चीजें, मतलब मैं भी ऑनलाइन सीखते रहता हूँ कभी ना कभी कुछ चीजें ना, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से एकदम से हमने छुटकारा ही कर लिया है, या मतलब हम सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं तो पढ़ाई को साइड में रख के सोशल मीडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन बहुत सारे लोगों की मेंटलिटी ऐसी है कि वो बोल रहे हैं कि अरे फेल होने के बावजूद भी रील बना रहे हो, शर्म करो कुछ, अपने माँ बाप का नाम तुमने डुबा दिया। लेकिन फिर भी कुछ होते हैं ना कि कुछ ना करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जिनको उल्टा बोलना होता है वो उल्टा ही बोलते हैं और बोलते ही रहेंगे, लेकिन आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी कमेंट्स करे थे, वैशाली को ब्लेसिंग दी थी, मतलब फेल, मतलब जिनको पता नहीं था कि वो पास है, मतलब उनकी नजर में फेल थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये ब्लेसिंग दी थी कि कोई बात नहीं बेटा, ये पास फेल का एक किस्सा चलता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम डीमोटिवेट हो जाओ, अगली बार तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, ठीक है। तो उन लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे को इतनी अच्छी लगी, मतलब वो होते हैं, मतलब एक जो सीनियरिटी होती है ना इंसान के अंदर कि चलो कोई बात नहीं यार, बच्चा अगर फेल भी हो गया तो सामने वाले को मोटिवेट करना है, ऐसे डिमोटिवेट नहीं कि अब तू नाच रही है तेरे को शर्म आनी चाहिए, मतलब अगर इंसान भाई फेल भी हो जाए ना तो इसका मतलब ये नहीं कि डिमोटिवेट होके भाई वो सब कुछ करना छोड़ दे, डांस करना छोड़ दे, गाना गाना छोड़ दे, है ना, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है इंसान अपने पैशन को फॉलो करके भी बहुत आगे बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब पढ़ाई से हटकर भी एक पैशन नाम की भी चीज होती है, इंसान पैशन के जरिए भी बहुत कुछ कर देता है। अब वैशाली को अगर डांस अच्छा आता है क्या पता वो कल के दिन डांसर बन जाए, तो उसको भी फॉलो करना चाहिए साइड में थोड़ा सा, मतलब पढ़ाई और उसको दोनों को मेंटेन करके अपने पैशन को भी देखना चाहिए और पढ़ाई को भी देखना चाहिए। बाकी चलो छोड़िए दगड़ियों, ये नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स चलते रहते हैं, लेकिन पहली बार मैंने इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स देखे जब वैशाली का रिजल्ट आया, मतलब आज तक इतने नेगेटिव कमेंट्स नहीं आ रखे थे मेरी वीडियोस में जितने वैशाली के ये फेल होने वाली वीडियोस में, इतने नेगेटिव कमेंट और उसके बाद से अभी तक वो आने में ही है। अभी मैं वैशाली की बीच बीच में जितनी भी ये इंस्टाग्राम की रील्स उठा के शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ ना यूट्यूब में, तो उसमें भी आ रहे हैं, अबे 10वीं फेल क्या कर पाएगी तू जिंदगी में, है तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, ना तू इस काम की है ना तू पढ़ाई के काम की है, मतलब भाई इतना डिमोटिवेट है एक बच्चे को, अगर कोई और देखे तो भाई वो तो ऐसी मतलब अंदर अंदर से वैसी कुट कुट के वैसी मर जाएगा वो, है ना।
लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब हमको तो क्या, हम ये चीज़ें तो सहन कर लेते हैं क्योंकि अब आज जैसी भी हो गई है ना, नेगेटिव कमेंट्स सुनने की। तो लेकिन ये है कि अगर हमारा काम अच्छा है तो उन चीज़ों को फिर इग्नोर करना ही बनता है, ठीक है। अब चलो, अब हमारे काम ही गंदे हैं तो कभी कभार वो चीज़ें फिर दिल में भी लेनी पड़ती है। अब ऐसा भी नहीं है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क बहुत पड़ता है दगड़ियों, हमको भी बहुत फ़र्क पड़ता है नेगेटिव कमेंट्स से। लेकिन फिर ये है कि उससे काम में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना, कि यार कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो अपना काम धाम ही छोड़ दो, फिर कुछ करो ही ना, ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब करते रहना चाहिए, बाकी अभी कर ही रहे हैं फिलहाल, है ना। लेकिन अभी तक जितने भी मैंने व्लॉग्स डाले हैं, 99% ब्लॉग में मेरे को अभी तक अच्छा ही रिस्पांस मिला है। सिर्फ 1% कभी कभार कुछ ऐसे लोग निकल जाते हैं जो गंदे कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि गंदे कमेंट्स भी रगड़ियों अंदर से बहुत मोटिवेट करते हैं और अच्छे कमेंट तो फिर और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो आप सभी लोगों का ऐसी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोग हमें सपोर्ट करते हैं, और गंदे कमेंट्स भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आप करिए लेकिन कमेंट्स और वीडियोस को देखिए है ना, और जितना हो पाए एक बच्चे को मोटिवेट करने की कोशिश करिए। बाकी उस व्लॉग में कितने 1400-1500 लोगों के कमेंट आ ही रखे, 1500 लोगों के ना, तो उसमें तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं, लेकिन जो और व्लॉग्स में कमेंट आते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, वैशाली के लिए भी, मेरे लिए भी, है ना, मेरी पूरी फैमिली के लिए, कि इतनी सपोर्टिव फैमिली है। और बाकी हमारी फैमिली तो दगड़ियों काफ़ी सपोर्टिव है, किसी काम के लिए नहीं रोकती है, बस मतलब ये है कि यार काम तुम अपनी तरफ से अच्छा दो और अपना 100% दो, बाकी जो होगा रिजल्ट वो फिर देखी जाएगी।